क्या कभी कभी ऐसा होता है, हमारा मूड बिल्कुल अच्छा होता है, परफेक्ट मूड में हम बैठे हैं, कोई और आया मूड खराब के साथ, और थोड़ी देर के बाद पूरे घर के सबके फोल्डर खोल सकता है। फिर हम कहते हैं शांति थी घर में जब तक ये नहीं आए हैं, अब ये आए तो पूरा घर क्या हो गया, अशांत हो गया। क्यों ऐसा हुआ? वो आत्मा अपनी अशांति का फोल्डर खोल के आई, हमने ध्यान नहीं रखा, तो उनके अशांति के वाइब्रेशन से हमारे पास भी जो एंगर का फोल्डर है वो खुल गया। लेकिन हमने नहीं कहा कि मैंने अपना खोला, हमने कहा इनकी वजह से है, ब्लेम भी हमने उन पर ही डाल दिया सब पर। और फिर कई बार सबके फोल्डर खुल जाते हैं, एक इरिटेट हो जाता है, एक नाराज हो जाता है, एक रोने लगता है, एक उदास हो जाता है, एक कमरा बंद करके उधर चला जाता है। हम कहते हैं एक आए सारा घर उथल पुथल हो गया। हो सकता है ऐसा? हो सकता है? हो सकता है। किस किस को लगता है ऐसा हो सकता है, एक की वजह से पूरा घर बदल सकता है? वेरी गुड, तो फिर तो हो सकता है, फिर तो हो सकता है। फिर मंडे को क्या हो सकता है, फिर मंडे को क्या हो सकता है कि एक जाए और कैसा जाए, एक जाए और कैसा जाए, पीसफुल जाए, काम जाए, एक्सेप्टिंग जाए, रिस्पेक्टफुल जाए। और क्या ऐसा हो सकता है एक जाए और पूरा घर बदल जाए? इक्वेशन तो सेम ही होगी ना, जो इक्वेशन नेगेटिव में अप्लाई करती है वही इक्वेशन प्योरिटी में भी तो अप्लाई करेगी। दैट इज व्हाई व्हेन वन चेंजेस, चेंज ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स हैपनिंग। कभी भी नहीं सोचना लेकिन हमारे घर में तो अलग है, वर्क प्ले, नो, पावर ऑफ वन, एक में शक्ति है, एक सारे वातावरण को बदल सकता है। सिर्फ वो एक को ध्यान क्या रखना है, वो एक को ध्यान क्या रखना है, मेरा वो वाला फोल्डर खुला रहे। अब आपको लगता है शांति का फोल्डर परमानेंट नाइम लाइफ टाइम के लिए खुला रहेगा यहां से जाने के बाद? देखो ये याद रखना, आसपास वाले नहीं आए थे खोलने के लिए फोल्डर, तो उनका तो दूसरा वाला खुला हुआ होगा फोल्डर। सारा दिन हमारी वाइब्रेशंस का असर दूसरों पर होता है, हम पीसफुल हैं, हमारी वाइब्रेशन का असर दूसरे पर होता है, लेकिन दूसरा डिस्टर्ब्ड है तो उसका असर भी हमारे ऊपर होता है। तो कभी कभी क्या होता है, मंडे तो बड़ा पीसफुल बीतता है, अच्छा आसपास के लोग भी ना थोड़ा ऐसे करके देख रहे होते हैं, अच्छा बड़े आए, देखते कितना दिन टिकता है इनका, बड़ी चेकिंग होती है घर जाने के बाद, अभी देखते हैं, नए नए आए ना वापस, अभी देखते हैं, चले तो सही 4 दिन और बीते तो सही, दे तो टेस्टिंग बड़ी होगी वापस जाने के बाद, तो वो भी होगा। फिर धीरे धीरे हम अपने नॉर्मल रूटीन में जाएंगे, आसपास की एनर्जीज डिफरेंट होंगी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, एंड पता ही नहीं चलता कब हमने फिर से वापस पुराने फोल्डर खोल लिए। हो जाता है, और फिर हम क्या कहते हैं, वो सब वहीं ठीक था आश्रम में, ये बच्चे नहीं है उनके, उनको कोई काम नहीं करना है, उनको क्या पता है कितनी टेंशन होती है, नहीं फिर गया। फिर नेक्स्ट ईयर जब कॉन्फ्रेंस आती है ना, फिर सेंटर पे बोलते हैं हमको भी जाना है वहाँ पे, हाँ बहुत पीसफुल था अभी वापस हमें 3 दिन, वी आर नॉट कमिंग हेयर फॉर 3 पीसफुल डेज। हम यहाँ से विधि सीख कर जाते हैं, इसीलिए मेडिटेशन प्रैक्टिस स्टडी, 3 दिन में कोई भी संस्कार परमानेंटली चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन जो फोल्डर खोला फिर उसको मेडिटेशन से क्या करना है, रोज खोलना है, रोज खोलना है, रोज खोलना है, रोज स्टडी करते हैं, रोज मेडिटेशन करते हैं, रोज अटेंशन रखते हैं, अटेंशन कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरा स्वभाव वो 5th फोल्डर से ही चलने वाला है, रोज, चाहे कितने भी साल बीत जाए। जैसे हेल्थ का रोज ध्यान रखते हैं, हेल्थ का रोज ध्यान रखते हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते एक बार अच्छे से खा लिया और चलेगा शरीर हमेशा, नो, इट इज डेली, बॉडी हैज टू बी नरिश्ड डेली, सोल ऑल्सो हैज टू बी नरिश्ड
डेली हम इसको नरिश नहीं कर रहे बहुत सालों से, और डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी आ चुकी हैं. तो सडनली पिछले 20-30 सालों में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ गया, एंड एवरी ईयर द शिफ्ट इज इंक्रीजिंग. क्यों डिप्रेशन बढ़ा, क्यों बीमारियां बढ़ी? क्योंकि हम भाग रहे थे अपने काम कारोबार में, इतना भाग रहे थे कमाने में, इतने बिजी थे कि हमने रुककर इसको कभी नरिश ही नहीं किया. आज सुबह भी जब मैं आ रही थी एयरपोर्ट पे, फिर उधर जहाँ भी जो लोग मिले, हाँ जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, अच्छा आप आइए मेडिटेशन सीखिए. हाँ हम सोच तो रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा अकाल आया पड़ा इस टाइम सृष्टि के ऊपर. Really, it's an epidemic. Everyone says the same line. And वो इतना deep belief system बन गया है कि वो एक collective vibrations of the world. वो छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं, I'm very busy, time नहीं मेरे पास. कभी आप सोचो, छोटा बच्चा अगर बोलेगा ना I'm very busy, time नहीं है, तो वो बड़े होके क्या करेगा? वो अभी से feel करते हैं उनके जीवन में कमी है. सो ये जो क्यों हुआ, डिस्चार्ज्ड बैटरी सारा दिन मेहनत कर रही है, सारा दिन मेहनत कर रही है, तो ऑब्वियसली टाइम की कमी हमेशा महसूस होगी क्योंकि थके हुई हालत में सारा काम कर रही है. तो हमें क्या करना पड़ता है, थोड़े दिन के लिए टाइम निकालना पड़ता है, थोड़े दिन के लिए टाइम निकालना पड़ता है. वो एक घंटा निकालना पड़ता है सिर्फ थोड़े दिन के लिए. जैसे ही थोड़े दिन के लिए वो एक घंटा निकाला, तो ये आत्मरूपी बैटरी क्या होने लगती है, चार्ज्ड होने लगती है. जब ये चार्ज्ड होने लगती है, इसका वो फिफ्थ फोल्डर ज्यादा देर खुला रहता है सारा दिन. जब ये ज्यादा देर खुला रहता है, तो इसका सारा दिन कैसा बीतता है, सारा दिन कैसा बीतता होगा फिफ्थ फोल्डर ज्यादा खुला हुआ तो? वेरी पीसफुल, काम, कोई कुछ कहता है ज़्यादा असर ही नहीं होता, आगे की कोई चिंता नहीं होती, निश्चिंत हो जाते हैं. मेहनत करते हैं, चिंता नहीं करते, ध्यान रखते हैं परिवार का, डरते नहीं हैं. दो बातों में बहुत फर्क है. और जब ऐसा जीवन जीना शुरू करते हैं, तो फिर टाइम 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 पहले से कई गुना ज़्यादा मिल जाता है. आप जब यहाँ से जाने के बाद सेंटर पर जाएंगे, आप देखेंगे वहाँ भाई बहने आपकी तरह परिवार संभाल रहे हैं, अपने ऑफिसेस संभाल रहे हैं. जब वो पहली बार आए थे तो वो भी कहते थे टाइम नहीं है. अब उनके पास इतना टाइम है कि वो घर भी संभालते हैं, ऑफिस भी संभालते हैं, आकर सेंटर भी संभालते हैं और सेवा भी करते हैं उनकी, जिनको वो जानते भी नहीं है. इतना टाइम आ जाता है. क्यों आ गया? यहाँ का ध्यान रखना शुरू किया, नेगेटिव वाइब्रेशन घटनी हो गई. जैसे यहाँ की हवा अच्छी है, जब साफ हवा में जाते हैं तो हमारा चलने का स्टैमिना बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ता? यही आप किसी शहर में जाओ, इस टाइम दिल्ली जाओ, लोग वहाँ लैंड करते हैं, उनको खांसी होने लगती है. पोल्यूशन स्टैमिना डाउन लाती है, और जैसे ही पोल्यूशन हटी, सफाई में आए, स्टैमिना बढ़ जाता है. आप फिजिकली यहाँ काम करेंगे, थकावट कम होगी. सिमिलरली इमोशनल पोल्यूशन, जब इमोशनल पोल्यूशन इतनी होगी यहाँ और यहाँ, थकावट तो सारा दिन लगेगी. एंड देन वी फील टाइम नहीं है, चल रहा है, भाग रहे हैं, कर रहे हैं. और जैसे ये इमोशनल पोल्यूशन हटी, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, काम जल्दी होगा, टाइम बहुत होगा. तो यहाँ से जाने से पहले अपने आप का कमिटमेंट ये है कि मैंने जो 3 दिन निकाले हैं, ये 3 दिन बैटरी को क्या करने के लिए थे, चार्ज्ड. इसके बाद हर रोज 1 घंटा होगा उस चार्ज को बढ़ाने के लिए, नहीं तो ये 3 दिन का इफेक्ट, इस इल्यूजन में बिल्कुल ही नहीं रहना कि ये 3 दिन का इफेक्ट कोई लाइफ टाइम चलता है. ये 3 दिन भी नहीं चलता, एक्चुअली नहीं चलता है. कईयों का तो स्टेशन एयरपोर्ट तक जाने तक ही कम हो जाता है, पता चल गया पहुंच के 4 घंटे ट्रेन लेट है, उधर ही परेशान हो जाएंगे, फिर कहेंगे ऊपर ही ठीक था सारा. सो इट इज नॉट ईजी. ये बहुत जन्मों की डिप्लीशन है, ऐसे नहीं 3 दिन में.
तीन दिन में वी आर गोइंग टू लर्न द वे ऑफ डूइंग इट, नॉट दैट इन थ्री डेज इट विल गेट चार्ज्ड, नो. लेकिन ये चार्जिंग डेफिनेट है अगर हम रोज उसको एक घंटे के लिए क्या करते रहेंगे, फिर से चार्ज्ड. हमारे यहाँ जो सोच चल रही है, जो फीलिंग चल रही है, इसका क्रिएटर कौन, इसका क्रिएटर कौन, कौन क्रिएट करता है हमारी थॉट्स एंड फीलिंग्स, आवर सेल्फ. जब हम कहते हैं हम इरिटेट हुए, गुस्सा हुए, नाराज हुए, हम ब्लेम किस पे डालते हैं, दूसरों पे. हम कहते हैं उनकी वजह से ऐसा हुआ. ये सबसे बड़ा बिलीफ सिस्टम है जिसकी इक्वेशन को हमें आज चेंज करके जाना है. हमें गुस्सा कौन दिलाता है? जैसे ही हम कहते हैं उनकी वजह से नाराज, उनकी वजह से इरिटेट, पावर सारी किसको दे दी? क्या ये पॉसिबल है कि कोई गलत व्यवहार करे और हम पीसफुल रहे? क्या ये पॉसिबल है कोई गलत व्यवहार करे हम पीसफुल रहे? वो रूडली बात करे हम प्यार से बात करें, ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है? वो बहुत 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 गलत करे हम अच्छे से बात करें, ये पॉसिबल है? और वो तो बहुत 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 ही गलत कर दे और हम उसको दुआएं दें, ये पॉसिबल है? हाँ जी, नो. खड़े हो जाइए, नो. हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं. दे आर बिहेविंग रॉन्गली, वेरी बैड, रूडली, चीटिंग, मैनिपुलेटिंग, एवरीथिंग. कैन वी बी नाइस, काइंड, रिस्पेक्टफुल? नो. व्हाई? व्हाई? लेट्स थिंक, व्हाई? Why? अच्छा, उनके साथ जो खड़े हैं वो खड़े हो जाइए एक बार, जो साथ में बैठे. भाई सब, प्लीज स्टैंड, प्लीज स्टैंड. हाँ, एवरी वन विजुअलाइज वन पर्सन इन योर लाइफ, टू पीपल, राइट? टू पीपल. ही विल बिहेव हिज वे. सपोज ही शाउट्स राइट नाउ एट यू, कैन यू रिप्लाई रिस्पेक्टफुली? Okay, why no? Not possible. She is behaving her way. Can you respond your way? She is shouting. Can you be quiet? I can't be quiet. No. Who irritates you? She or you yourself? She irritates you. She irritates you. सबसे बड़ा बिलीव सिस्टम. बैठिए. थैंक यू. दिस इज वन बिलीव सिस्टम विच इज नॉट अलाउिंग अस टू बी आर सेल्फ. नाउ ब्रिंग एनी वन पर्सन ऑफ योर लाइफ हियर, हियर, एंड यू आर हियर. ये उनका बिहेवियर है. Who is creating my thoughts and feelings? Who is creating my thoughts and feelings? Forget behavior, just thoughts and feelings. They are behaving like this. Who is creating my thoughts and feelings? Who is creating my words and behavior? Can they irritate me or do I choose to get irritated? Very good. That much clarity we need. Who chose the irritation? Me. Who chose the anger? Me. Who chose to get hurt? Me. Who created those thoughts? Me. What did they create? They created their behavior. What did I create? Is my behavior dependent on their behavior? It is dependent on me. All that I have to take care is when they do something which is their way, I have to respond my way. एक इक्वेशन आज से चेंज कीजिएगा, चाहे गुस्सा भी आ जाए. लेकिन जब गुस्सा आए तो ये नहीं कहना इनकी वजह से, बिकॉज दैट इज नॉट ट्रू.
बार बार कहने से कहने से कहने से क्या हो गया, हमने एक संस्कार क्रिएट कर लिया विच सेड एवरीथिंग आई एम फीलिंग इज बिकॉज ऑफ अदर पीपल. सिचुएशन ही ऐसी थी तो टेंशन तो होनी थी. तो टेंशन किसने क्रिएट की? सिचुएशन ने. उसी सिचुएशन में चार लोग होते हैं, उसी सिचुएशन में चार लोग होते हैं, चारों को सेम टेंशन होती है? नहीं. ये एक सेम बिहेव करता है, चार लोग इस तरफ हैं, चार लोगों की फीलिंग्स एक जैसी होती है? नहीं. दिस इज स्टिम्युलस, दिस इज रिस्पॉन्स. स्टिम्युलस इज इन देयर कंट्रोल, रिस्पॉन्स इज इन माय चॉइस. आज एक मुक्ति यहाँ जो चल रहा है, हमारे वर्ड्स, हमारे बिहेवियर एवरी टाइम से दिस इज माय चॉइस, दिस इज माय क्रिएशन. डोंट पुट द फिंगर ऑन पीपल और सिचुएशंस के परिस्थिति और लोगों की वजह से मेरा ऐसा हो. ट्रू नहीं है ये बात. दे विल बी देयर वे, आई विल बी माय वे. फिर आप चूज कर सकते हैं कौन सा वे आपको होना है, लेकिन एटलीस्ट ये ध्यान रखना होगा कि ये रिस्पॉन्स कौन चूज कर रहा है, कौन चूज कर रहा है? मैं. गुलामी का जीवन नहीं जीना, दूसरों के व्यवहार के गुलाम. वो रोज अपना व्यवहार करेंगे, हम रोज डिस्टर्ब होंगे, तो हम उनके व्यवहार के गुलाम, हम उनके व्यवहार के गुलाम. स्पिरिचुअलिटी मेक्स अस इमोशनली इंडिपेंडेंट. लोग आजकल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं. बच्चे कहते हैं आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं अपने मम्मी पापा से पैसे नहीं मांगना चाहता. वाइफ कहती है आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं अपने हस्बैंड से पैसे नहीं मांगना चाहती. पैसे किसी से मांगना नहीं चाहते, खुशी मांगने के लिए सारा दिन खड़े. प्लीज बी नाइस टू मी सो दैट आई विल बी हैप्पी. सारा दिन खड़े. इमोशनली इंडिपेंडेंट मीन्स फॉर मी टू बी हैप्पी यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन. वो अपना व्यवहार करेंगे, हम अपना व्यवहार करेंगे. हम रिएक्ट क्यों कर देते हैं? क्योंकि हमने अपने आप को चार्ज नहीं किया है. तो जब वो नेगेटिव फाइल खोलते हैं तो हम भी इमिजिएटली कौन सी फाइल खोल देते हैं? नेगेटिव. और ब्लेम किस पर डाल देते हैं? ब्लेम किस पर डाल देते हैं? एक टीम में 5 लोग हैं. सुबह सुबह एक जना एंटर किया, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, खांसी जुकाम सर्दी लेकर वो सुबह सुबह ऑफिस आ गया. शाम तक बाकी 4 में से भी एक को हो गया. तो वो एक ने उसको क्या कहा? मैं बीमार किसकी वजह से हो गया? क्या ये बात सच है? बाकी 3 क्यों नहीं हुए? बाकी 3 क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है. मैं क्यों हुआ? क्योंकि मेरा वीक है. लेकिन मैंने ये नहीं रियलाइज किया मेरा वीक है, मैंने कहा उनकी वजह से मुझे खांसी हो गई है. तो मैंने अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया. सिमिलरली वो 5 लोग थे, एक एंटर हुआ, मूड खराब है, सुबह सुबह इरिटेट हो रहा है, सुबह सुबह चिल्ला रहा है लोगों के ऊपर, मूड ही खराब है, घर से झगड़ा करके आया. उसके मूड की वजह से मैंने भी रिएक्ट कर दिया और मैंने कहा इसकी वजह से मेरा भी मूड खराब हो गया. ये नहीं कहा मेरी शक्ति घटी हुई थी तो मैंने भी रिएक्ट कर दिया. ब्लेमिंग पीपल एंड सिचुएशंस फॉर हाउ वी थिंक एंड फील इज द बिगेस्ट इल्यूशन. तो एक इक्वेशन, जो भी यहाँ चले उसका जिम्मेवार कौन? हम. जब हम पावर अपने पास रखेंगे हम चेंज हो सकते हैं. जब हम कहेंगे उनकी वजह से, तो हम किसको चेंज करने की कोशिश करते रहते हैं? उनको. हम इरिटेट होते हैं किसकी वजह से? हम इरिटेट होते हैं किसकी वजह से? कोई काम कर रहा है, हमने उसको काम करने के लिए बोला, वो टाइम थोड़ा धीरे लगा रहा है, ज़्यादा टाइम लग गया, वो ठीक से नहीं कर रहा है, इरिटेट कौन हो रहा है? हम हो रहे. फिर भी उसने ठीक से नहीं किया तो गुस्सा कौन हो रहा है? हम.
एंड जब हम ये कर रहे हैं तो एनर्जी किसकी घट रही है? हम काम हो जाएगा, काम हो गए आज, बहुत काम हो गए, बहुत प्रॉस्पेरिटी मिली, बहुत कुछ कमाया, घर में सब कुछ आ गया, लेकिन जिस तरह कमाया, इरिटेट होके, क्रिटिसाइज करके, मजाक उड़ा के, किसी की निंदा करके जिस तरह कमाया, उसकी वजह से घर में खुशी, सेहत और रिश्ते घट गए, बाकी चीजें बढ़ गई। और फिर इतनी इल्यूजन में रहे कि हमने सोचा जितनी चीजें बढ़ जाएंगी उतने हम हैप्पी होंगे। दैट वॉज अनदर वेरी बिग इल्यूजन। तो काम करना, काम करवाना, लेकिन सब कुछ करते हुए किसका ध्यान रखना, किसका ध्यान रखना? काम करना, काम करवाना, लेकिन सब कुछ करते हुए किसका ध्यान रखना? ये बैटरी कैसे रहनी चाहिए? चार्ज्ड। ये ग्लास है, भरा हुआ है। इस पूरे हॉल में चलना है, सबसे मिलना है, सबसे बात करनी है, ऐसे ऐसे करके स्टेज पे वापस आना है। शाम को ग्लास भरा हुआ होना चाहिए। सुबह निकलना है, सारा काम करना है, शाम को वापस आना है, ग्लास भरा हुआ होना चाहिए। हो सकता है? आप में से कौन कौन कर सकता है? ये सीढ़ी से उतरना है, पूरे हॉल का राउंड लेना और ये सीढ़ी से वापस आना है विद ग्लास फुल। कौन कौन कर सकता है? सब नहीं, हाथ ही नहीं उठा रहे सब। देखो आप पीछे, हाथ ही नहीं उठाते। कर सकते हैं ना? करने के लिए क्या करना होगा? सिर्फ करना क्या होगा? प्रायोरिटी। नींबू चम्मच खेला था स्कूल में? गुड। भागना था, भागना था। कई बार तो दो लोगों के पाव भी बांधे गए थे साथ में, लेकिन ध्यान किस पे रखना था? नींबू गिरना नहीं चाहिए। इवन अगर आप फर्स्ट आ गए लेकिन नींबू गिर गया, हम हार गए, क्योंकि हम भागने पे ही फोकस कर रहे थे। नींबू तो स्टार्टिंग में ही गिर गया था और हम एंड में पहुंच गए। हमने कहा ये आई केम फर्स्ट, उधर उसने कहा डिस्क्वालिफाइड। क्यों डिस्क्वालिफाइड? बोले नींबू तो पहले गिर गया था। वो नींबू कहाँ है? वो नींबू कहाँ है? नींबू कहाँ है? नींबू यहाँ है। भागना है, बहुत भागो। जितना अभी तक भाग रहे थे उससे भी फास्ट भागो, लेकिन सिर्फ ध्यान रखना है। भागते हुए नींबू नहीं गिरना चाहिए, नींबू नहीं गिरना चाहिए। एंड डेफिनेटली दूसरे को नहीं ब्लेम करना, मेरा नींबू गिरा दिया। वर्क यहाँ, दैट इज प्रायोरिटी इन लाइफ। ये प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए। वी हैव टू नो व्हाट इज इट देयर वी आर रनिंग। हम भाग रहे हैं लेकिन भागते हुए खुशी गिर गई। कभी कभी तो सुबह सुबह ही खुशी गिर जाती है, अभी तो घर से बाहर भी नहीं निकले। फिर रास्ते में ट्रैफिक हो तो दूसरी जगह खुशी वहां गिर जाती है। रोज उसी रास्ते जाते हैं, रोज उसी ट्रैफिक में खड़े होते हैं, लेकिन रोज इरिटेट होते हैं, रोज आसपास के लोगों को कुछ कुछ बोल भी देते हैं बंद गाड़ियों के अंदर। ये भी नहीं सोचते कि सामने वाले को तो सुनाई भी नहीं दे रहा हम क्या बोल रहे। एनर्जी किसकी डिप्लीट हो रही है? मेरी। नींबू गिर गया। राजयोग मेडिटेशन मीन्स टेकिंग केयर ऑफ द सेल्फ। मेडिटेशन मीन्स ध्यान, ध्यान। द वर्ड इज सो ब्यूटिफुल, ध्यान। अपने मन का ध्यान रखना। आपके आसपास सारे लोग भी अपना नींबू गिरा दें, आपका गिरना नहीं चाहिए। और शाम को जब हम घर आए, बैक टू फैमिली, ये ग्लास कैसा होना चाहिए था? आज दोनों पेरेंट्स घर आ रहे हैं खाली ग्लास के साथ, धन भरपूर, आत्मा रूपी ग्लास खाली, तो बच्चों को क्या देंगे? समान ही दे सकते हैं ना फिर सिर्फ, क्योंकि समान भरपूर, शक्ति खाली, दोनों आ रहे हैं, तो बच्चों को क्या मिलेगा? आज स्कूल के बच्चे प्रोजेक्ट में डिप्रेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। स्कूल के बच्चे सुसाइड की बात करते हैं। ये कोई सक्सेस की निशानी है हमारे समाज की? ये सफलता है? इज दिस सक्सेस? नो। व्हाई? बिकॉज लास्ट फ्यू इयर्स व्हाट वी डिड, वी जस्ट केप्ट रनिंग विदाउट टेकिंग केयर। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर स्टिल गोइंग टू रन बट विद टेकिंग केयर। यहाँ ध्यान रखते हुए भागना है।
और फिर वो जो भागना भी होगा ना उसको एंजॉय करेंगे, ये ध्यान रखते हुए कि ये समान है, ये सुकून है, यहाँ समान मिलता है, यहाँ सुकून मिलता है। शाम को हमें सिर्फ सामान कमा के घर नहीं आना है, क्या कमा के घर लाना है, सुकून कमा के घर लाना है। बच्चों को चीजें नहीं देनी, सिर्फ परिवार को सुकून देना है। एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हमारे ऑफिस से हर एक जो घर जाए शाम को, वो सुबह जितना खुश आया था उससे ज्यादा खुश शाम को जाना चाहिए। People should go home happier than what they came in the morning. Then we are sending happy parents home. We are sending happy parents home. And if we send happy parents home, next day morning वो और happy आएंगे. फिर उसके अगले दिन वो और happy आएंगे. और day by day हमारी खुशी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। आज क्या हो रहा है? डे बाय डे हमारा तनाव बढ़ता जा रहा है। तो उसके लिए जब हम चेंज होंगे, हमारा घर का वातावरण चेंज होगा, हमारा वर्क कल्चर भी चेंज हो जाएगा, हमारा लोगों के साथ व्यवहार, बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा। सिर्फ अगर हम एक रोज एक घंटा दें, बहुत लोगों के जीवन बदल जाते हैं। एक की नहीं बदलती, इट्स एन इन्वेस्टमेंट विच हैज मल्टीफोल्ड रिजल्ट। बहुतों की जीवन बदलेगी अगर एक ने अपनी बैटरी को क्या करना शुरू किया, चार्ज करना शुरू किया। तो एक की बैटरी से औरों की बैटरी भी क्या होती जाती है फिर, और डिस्चार्ज बैटरी से क्या हो जाती है औरों की बैटरी, डिस्चार्ज।